यार राजा दांत देखा था मंजर लगा सवेरे करे रात सॉरी एस डीजे यार अरे यार गजब समीम गजब हीरो का लग गया मुझे तो ऑन फेल हो गई इंट्रिग बड़ा जबरदस्त मार था शाबाश यार राजा दांत देखा था मंजर लगा सवेरे करे रात यार इधर देख रहे तैयार देखा तैयार देखा तैयार देखा यार यार हम सामत से मुस्कुराते हैं अब इनकर कहाँ लगा था फोटो बहुत एकदम परफेक्ट आवा था सुथुगल सुथुगल क्या बोली यार मत सजना तोरे अरे यार कुछ तो तुम लोग बोलो यार क्या घरे घर खाली उल्टा पुल्टा तो वहां से बोला करे तो दिन भर बोलबे अब यहां कैमरा सने कथि बोलते ताई समझ समझ में आत हुआ सो हेलो एवरीवन वेलकम बैक अगेन अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून नो अरे गुड आफ्टरनून हां सो गाइस अभी गुड आफ्टरनून मतलब नियर अबाउट अभी 4:30 के आसपास हो रहा होगा और गुड आफ्टरनून स्नेक भाई तो हालांकि मौसम तो कुछ गड़बड़ है इसकी वजह से अभी 4:30 के आसपास भी हो रहा है तो लगभग वही हो गया और फिलहाल तो अभी आप लोग जानते ही हैं कि 29 हो गया ना 29 सो गया 29 दिसंबर और 2001 हैज़ टू गॉन इज़ अबाउट टू गॉन बट अगर आप लोग भी क्या कर रहे हो भाई अगर कुछ अच्छा सेलिब्रेशन वगैरह नया साल के लिए क्या होने वाला कैसा भी कुछ तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा ज़रूर तो और वैसे भी 2021 के बारे में आप लोग वही पता ही है कि फ़िलहाल में अभी क्या क्या हुआ कौन कौन सी एक्सीडेंटल भी कह सकते हो जिसमें भी तो फिलहाल तो अभी कौन सा दौर चल रहा है अभी कोरोना काल फिलहाल में अभी चल रहा है और एक आई थिंक एक कोई नया वायरस भी शायद एंटर कर चुका है तो भाई ओमिक्रॉन वी केयरफुली और गाइस फिलहाल अभी हम लोग अपने घर से आउटसाइड आ गए हैं और ये जो देखा रहे ना और जो आप लोग वो सब देख रहे हैं वो सब टाउन के एरिया मतलब उस तरफ घर है और फिर थोड़ा सा आउटसाइड में अभी आए हुए हैं और गाइस और हम लोगों के साथ अभी ये समीम अभी हाथ पर कोचा और फिरोज खान पीछे हैं और एक वो है वारिस सिद्दीकी साहब भाई वो थोड़ा सा शर्मिले टाइप में भाई शाय पर्सन तो फिल और गाइस तो इनके वाली में असली बात है कि थोड़ा सा बारी काफ़ी पर्सनालिटीज व्यक्ति हैं भाई ये एकदम सुपर बना एकदम इसलिए ये थोड़ा सा कैमरा के पीछे साइड में है अभी तो फिलहाल में अभी क्या कर रहे हो भाई कमेंट सेक्शन में कल जरूर बताइएगा और वैसे 2021 तो अभी जाने वाला है और नया साल का वेलकम किस तरीके से आप लोग भाई करते हो तो वो सब भी बताइएगा और पिछले वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा होगा तो साइड में लिंक दिया हुआ है उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो अभी 2001 के बारे में अभी इन लोगों से पूछते हैं कि देखते हैं कि अभी इन लोगों के ओपिनियन से 2001 कैसा रहा तो पहले भाई फिर बताओ 2021 कैसा रहा तुम्हारे लिए फिलहाल में अभी बहुत खराब था अच्छा किस लिए भाई अरे कोरोना टाइम चला था इसलिए कोई पढ़ाई लिखाई हो ही नहीं चला था और सब बंद ही था काम से नहीं चला था एकदम अच्छा भाई इनका कहना है कि 2001 कोरोना काल जो है वो पूरा साल भाई आप लोगों को तो पता ही होगा कि कैसे इसमें कैसा सब कुछ रहा उनके हिसाब से 2021 इनके हिसाब से कोरोना काल जो है उसी के हिसाब से घर गड़बड़ है और अच्छा 2001 में कोई अच्छा भी था मतलब कुछ अच्छा भी मतलब घटना वगैरह अच्छा कौड़ो मत अभी तुम लोगों का पास भी आ रहे चिंता मत करो अभी बहुत बाहर से कमेंट कर रहे हो ना बस रुको बस आते हैं अभी तो फिर बताओ भाई 2021 जो है तुम्हारे हिसाब से किस लहजे से भाई परफेक्ट था अब तो भाई नेगेटिव बता दिए तो जाओ तो अगर कोरोना की वजह से गड़बड़ हो गया तो 2021 में कुछ कोई बढ़िया चीज़ कोई बढ़िया चीज़ नहीं है भाई 2021 फिर वो तो पूरा एकदम गड़बड़ बता दे रहा भाई एकदम सब कुछ मतलब वो बस एक काम किया सबको पास कह दिए मोदी हाँ
ये भाई एक काम बिल्कुल सही हुआ कि इसके अकॉर्डिंग के बिना एग्जाम दे हैं दसवीं और दसवीं में भी ना दसवीं में ना दसवीं और बारहवीं बारहवीं भी साथ में था दसवीं और बारहवीं सभी जो क्वालिफाइड हो गए विदाउट रिटेन के। और शमीम तुम्हारे हिसाब से भाई क्या था उसमें बोलो। हमारे हिसाब से उसमें सही भी था और गलत भी था। शाबाश। सही ये था कि हमारे पीएम मोदी जी हम लोग को बिना परीक्षा दिए पास कर दिए और काफ़ी कोरोना में हम लोग को दिक्कत हुआ पढ़ने लिखने में। हाँ, पढ़ाई लिखाई भी नहीं चला ढंग से। ठीक। इसलिए परीक्षा भी हम लोग को नहीं देना पड़ा और उसमें हम लोग पास भी हो गए। हाँ, तो 2021 की मतलब लहजे से बात ये वाला सही है तुम्हारे हिसाब से। हाँ, कि 2021 इस लहजे से ठीक है। अच्छा, कुछ नेगेटिव पॉइंट भी इसमें, क्योंकि भाई 2021 तो जाने वाला है भाई। निगेटिव पॉइंट उसमें हुआ यही हुआ कि उसमें कोरोना काल चल रहा था और उसमें काम काज आदमी का नहीं चल रहा था सही से। आदमी अपना गुजारा कैसे कर रहा था, वो अपना जाने वो कैसे कितना मेहनत से कमा रहा था वो। अब भाई तो इन आगाह करते हैं कि डिली रिटर्न पे आ गई है, तो भाई इसके हिसाब से थोड़ा सा ये भी सही है कि जो कोरोना सिस्टम है लॉकडाउन की वजह से क्या कहते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ भी हो गया। और जो डेली अपना मतलब क्या कहते हैं अर्न करके वो एटिंग वगैरह करता है तो भाई उसके लिए तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो ही गया था। और भाई आने जाने में बहुत सारा दिक्कत होता है, वो पता होगा ना। जैसे मतलब भाई तो कहीं आप बाहर वगैरह फंसे हुए तो उसके लिए भी पता नहीं अच्छे से आ पाए कि नहीं। बाहर निकलने से हाँ क्या हुआ बाहर निकलने से मास्क लगाना पड़ता था। हाँ भाई बाहर निकले से मास्क इज कंपल्सरी टू वियर। सैनिटाइजर भी भाई कहाँ सब कुछ पाया जाए। अभी थोड़ा सा एक मिनट आपको बैक कैमरा दिखाते हैं कि हमारे सिद्दीकी साहब क्या कर रहे हैं। अभी ना ब्लॉग को कंटिन्यू कीजिएगा और देखते हैं अभी हम। सो तो भाई वो जो आपको दिख रहा है वो उधर अभी साइड में है। तो ए यहाँ पे आओ कि नहीं। अच्छा नहीं बा लग गया बुला ले। हाँ कहाँ है भाई? एक हाथ लेके गए। अच्छा इबा नहीं कर भाई यहाँ अब। हाँ कसम खा लिया जा डबा पाए लेके। अरे नहीं आओगे अब। अरे हो गया काम हो गया बस। अरे भाई देखो उसको कॉल करें तो वो आ ही नहीं यहाँ पे, मतलब थोड़ा सा कर रहा है कि वीडियो शूट हो रहा है। तो भाई उसका ड्रेस अभी जो देख रहे हो कहता थोड़ा सा गड़बड़ टाइप में है। सबका कंक्लूजन ये है भाई कि आप लोगों का 2021 कैसा रहा और भाई और 2022 किस तरीके से सेलिब्रेशन कुछ प्लानिंग वगैरह की नहीं और किस तरीके से सेलिब्रेशन करने वाले भाई। तो एवरीथिंग लीव प्लीज़ लीव अ कमेंट। सो गाइज एंड बी कंटिन्यू ब्लॉग। अगर दोस्तों ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अच्छा लगे भाई इसको आप आगे भी फॉरवर्ड कर सकते हो। तो बी कंटिन्यू ब्लॉग। और अभी भाई क्या होने वाला है तो आपको आगे मिल ही जाएगा। आप लोग देख रहे हैं काफ़ी ठंड पड़ रही है यहाँ पर और ठंड को देखते हुए आप लोग को काफ़ी बच कर रहना पड़ेगा। तो गाइस हम वालों का आप बोलते हो रहे भाई। सो गाइस 2022 उम्मीद करते कि भाई परफेक्ट हो और 2021 के तरह अभी जो थोड़ा बहुत शायद लॉकडाउन भी लगने वाला है अब शायद नियर अबाउट 15 तारीख से हो सकता है लॉकडाउन भी अप्लाई कर दिया जाए 2022 में भी। तो भाई जैसा भी होगा वो तो आगे आएगा ही। अब भाई अब प्रेजर कर दिया कम से कम 2022 परफेक्ट रहे और अच्छे से बीते। एंड अभी तो शाम का समय लग रहा था करीबन 5:30 के आसपास हो रहा था 5:45 के आसपास। अभी मौसम भी थोड़ा बहुत ही गड़बड़ हो गया था और फिलहाल अगर आप लोग थोड़ा सा नोटिस वगैरह किए होंगे तो मतलब जो कूल टाइम है उसमें जो विंटर है और जो समर दोनों के बीच का अंतर तकरीबन 3 घंटे का हो जाता है। तो अभी फिर 4 बजे हैं धीरे धीरे वो शाम भी हो जाती होगी क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो किस लिए अंदर था वो तो आपको सर ऑलरेडी पता ही है। तो खैर कोई नहीं, तो फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं घर पे। इस ब्लॉग में फिलहाल बस यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन अप्लाई करना था और आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए भाई क्या करने वाले हो अगर आप तक वीडियो पोस्ट रहेगी तो। और इसको कैसा लगा, अच्छा लगे या फिर खराब, लाइक या फिर डिसलाइक इसको आप कर सकते हो। तो फिर मिलते हैं एक हम लोग और वीडियो शूट करेंगे। कहाँ पे कौन सा वीडियो? ब्रिज वाला भाई। हम लोग के यहाँ एक जो कपसरी मार्केट है क्रास रेट में उसके ऊपर एक ब्रिज फ्लाईओवर बन रहा है वहाँ पे। तो देखने चलता है कि एक वो वाला वीडियो शूट होगा जल्दी इमीडिएटली। दिस वीडियो विल बी कम सून एंड टू वॉच दिस वीडियो टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो गाइज और
मुझे वो भी जल्दी आपको जल्दी मिल जाएगा। तो फिलहाल बस इसमें इतना ही, और कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा भाई, भूलना नहीं। तो फिर मिलते हैं अनदर ब्लॉग में।